गाइस, हम आज इस वीडियो में हम इस नॉर्मल साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने वाले बहुत सस्ते में। इसके लिए वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। देख सकते हो हमें इसके ऊपर ग्रिप लगी होती है इस तरीके के, उसे हमें काट के निकाल लेना है। आप एक्सेलरेटर या कुछ के एंगल ग्राइंडर हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हो, और हमें इसके ब्रेक के नट खोल के ब्रेक को भी निकाल लेना है इस तरीके से। हमें पूरा हैंडल के सबको निकाल लेना है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ब्रेक आयर होता है उसको भी ऐसे निकाल लेना है यहाँ से नट खोल के, और पीछे वाला सेम ऐसे ही खोल लेना है। आप देख सकते हो हम यहाँ पे ये नट होता है इस तरीके का, उसको ब्रेक निकाल लेना है दोनों इस तरीके से। देख सकते हो हम ब्रेक वायर भी ऐसे निकाल लिया है। ये मैंने बैटरी बॉक्स बनाया जिसे बैटरी और हमारा कंट्रोलर रहेगा, जो मैंने घर पे ही बनाया है। इसी सीखने को यहाँ पे मैंने बहुत सस्ते में बनाया है। आप चाहे तो किसी से बनवा भी सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे लॉक भी लगा है, की लॉक। और यहाँ पर मैंने चार छेद कर लिए हमारे साइकिल के फ्रेम के हिसाब से। देख सकते हो आप चार छेद कर लिए यहाँ पे इस साइकिल में। देख सकते हो ये इस तरीके का फ्रेम है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अब यहाँ पे हम ऐसे साइकिल खोल लेते हैं। फिर हमने इसका टायर निकाल लिया, देख सकते हो आप। इसके साथ हमें ये अनबॉक्सिंग की आपको वीडियो देखनी है तो हमारे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप जाके देख सकते हो। और मैंने ये पार्सल अमेजोन से मंगाया था कैश ऑन डिलीवरी पर, उसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक मिल जाएगी अनबॉक्सिंग और वीडियो में। आप इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी देख लेना। देख सकते हो मैंने मोटर फिट करी, और मैंने कहा दिखाने जैसे पार्ट नहीं था तो मैंने दिखाया नहीं, यहाँ पे मोटर फिट कर दिए दोनों। तो एक शायद लग गए जो हम आते हैं उसके साथ किट के साथ, पूरी बहुत आसानी से लगाने। और इसके साथ मैंने वायर छोटा आता है मोटर के साथ, मैंने वायर भी बड़ा डाल दिया है। देख सकते हो इसकी तरफ से जॉइंट कर लिया है। और यहाँ पे बैटरी बॉक्स भी मैंने लगा दिया इस तरीके से, और यहाँ पे थ्रोटल और ब्रेक भी लगा दिया है जल्दी से। और अब देख सकते हो मैंने एक पाइप के अंदर सब वायर निकाल लिया, जिसे अच्छे थोड़े वायर लगे ऐसे बाहर निकला हुआ सब कुछ न लगे, जो हमारे वॉशिंग मशीन में काम आता है। एक मीटर में लेके आया था जिसकी कॉस्ट 50 रुपये पड़ी थी हमको। और यहाँ पे मेटल से होल कर रहा हूँ जिससे हमारे बैट सब मोटर के और सबके वायर अंदर जा सके। एक तो मैंने लगा दिए थ्रोटल के और ब्रेक्स के वायर अंदर से, अब यहाँ पे मोटर के लगा लेता हूँ। आपका ड्रिल मशीन या कुछ ना था आप मिस्त्री के पास जाके करवा सकते हो। यहाँ पे सब कुछ मैंने वायर लेकर यह पड़ा है कंट्रोलर, इसके साथ हम कनेक्शन कर लेता हूँ। कंट्रोलर के ऊपर इसके वायर ऊपर सब कुछ लिखा होता है कहाँ पे कैसे जोड़ना है। आपको यही देखना होगा सिर्फ ये ब्रेक की वायर है किसके वायर उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। ने इसको मोटर को दूसरी साइड लगा लिया है क्योंकि यहाँ पे उस साइड जहाँ पे इसके साथ आया था अटैचमेंट, जिससे दो फ्री व्हील एक साथ लग जाए वो सेट नहीं हुआ इस साइकिल में, यह अच्छा सक्सेस नहीं आता है कंपटीशन। तो मैंने दूसरी साइड उसको फ्री व्हील को लगा के वेल्ड करा के आया मैं वेल्डर के पास से। उन्होंने मेरे पास से 10 रुपये लिए और टाँका मार दिया। आप भी ऐसा करवा सकते हो, दूसरी साइड थोड़ा थोड़ा घिस के दूसरी साइड हब में लगा देना। और यहाँ पे कंट्रोलर के साथ हमने सारे कनेक्शन कर लिए मोटर के और ये सब। कंट्रोलर का थोड़ा को साइड में होल करके, जिसे होल कर दिया है काट दिया है जिससे इसको हवा मिलती रहे जिससे ये ठंडा रहे। आप भी ऐसा कर सकते हो। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वायर था सब कुछ मैंने कनेक्शन कर दिया है। आपको कनेक्शन की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको कनेक्शन की वीडियो भी डाल दूंगा। और यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर यहाँ पे रख दिया जो ब्रेक के पड़े थे। गाइस, इसके साथ हॉर्न का स्विच नहीं आया था तो मैंने मेरे पास स्विच पड़ा था जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, वो मैंने इसके साथ लगा दिया पुश स्विच। गाइस, यहाँ पे मैंने 2 12 वोल्ट की बैटरी का यूज़ किया है जिसे हमने 24 वोल्ट बनाया है। और यहाँ पे इसके 12 एएच की बैटरी है
जो हमारे एग्रीकल्चर पंप में यूज होती है वो मैंने लगाई है, जो किट के साथ नहीं आती हमें लगानी। बैटरी को चार्ज करने के लिए इसके साथ चार्जर नहीं आया, तो हमारे पास 12 वोल्ट का चार्जर था, तो हमने इसके ऐसे कनेक्ट करी बीच में जो हमने सीरीज कनेक्शन करते हैं तो दो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बैटरी के जॉइंट करते हैं, तो उसके बीच में हमने एक स्विच लगा दिया है जिससे हम उसे ऑफ कर देंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे ये देख सकते हैं सर्किट होते हैं जो आते बाजार में मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो हमने उसको ही देख सकते हैं इस तरीके से लगा दिया दोनों बैटरी इसके ऊपर अलग अलग। और जब हम इसके चार्ज लगाए ना, तो इसके लिए मैंने अलग ही चार्जर में थोड़ा मॉडिफिकेशन किए। इससे पहले हमको इसके स्विच बंद करना पड़ेगा, फिर हमें जो मैंने चार्जर बनाए वो आपको दिखाता हूँ, उसको लगा के हम चार्जिंग में लगा सकते हो। ये 12 वोल्ट का चार्जर है, इसको हमें मॉडिफाई कर लिया है। और यहाँ पे हमने ये पिन लगा दिए, मेल फीमेल कनेक्टर आते ये लगा देना है हमको। अंदर से हमने नेगेटिव पॉजिटिव करके वायर लगा दिए है अपने हिसाब से लगा दें। अब बारी आती है टेस्टिंग की, तो शुरू करते हैं। आपको साइकिल अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बिल्कुल ही पैडल नहीं मार रहा, ये अपने आप चल रही है। गाइस मैंने इसमें वीडियो में नहीं बताया कि ये दो बंदों को भी दे जाती है, मैंने वीडियो नहीं निकाला था उसके, दो बंदों को ले जाती है और ये कहाँ जाता कि 100-150 केजी भी वेट ले जाती है और 10-15 की स्पीड दे देती है। गाइस ये पहले ऐसी साइकिल थी जो बिल्कुल भी कबाड़ा या फिर जंग लगाए थे, फिर मैंने इसको किसके सब इसके ऊपर कलर कर दिया, फिर आप देख सकते हैं ऐसी बन गई साइकिल। वीडियो को लाइक कर